हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपेश तिवारी। हम स्वागत करते हैं आपका द कैरियर वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को पीसीएस 2019 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए महत्वपूर्ण सूचकांक लाए हुए हैं, और जैसे ही सूचकांक खत्म होंगे आपके लिए हम जनवरी माह के कुछ करंट अफेयर भी लाए हुए हैं, जो कि यहाँ से आपके एग्जाम में टिकटो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं अपने सूचकांक पे। तो पहला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019। यह सूचकांक यह बताता है कि उस देश में प्रेस कितना अच्छा स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, अर्थात कि प्रेस जो है वह कितना तथ्यात्मक विश्लेषण पर आधारित है। तो आइए हम जान लेते हैं कि इसमें भारत का स्थान कैसा है। तो भारत का स्थान यहाँ पे 140वां स्थान है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ पे प्रेस की स्थिति 140वें नंबर पे है। और यहाँ पे नॉर्वे जो है वह पहले स्थान पर है। यहाँ पे हम लोग यह भी जान लेते हैं कि जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो वह संस्था जो जारी करती है उसका नाम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सूचकांक पे, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019। यह जो सूचकांक है वह बताता है कि उस देश में नवाचार की स्थिति क्या है, अर्थात कि नए टेक्नोलॉजी किस प्रकार वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड जो है वह पहला स्थान बना के रखा है, और भारत का स्थान जो है वह 92वां स्थान है, 52 रैंक इंडिया का है। और यहाँ पे 2019 का थीम जो है स्वस्थ जीवन का सृजन, चिकित्सा में नवाचार का भविष्य। जो संस्था इस सूचकांक को जारी करती है उसमें से तीन संस्था जो है संयुक्त रूप से इस सूचकांक को जारी करते हैं, उनका नाम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस, मतलब कि पहला जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, दूसरा इनसीड बिजनेस स्कूल, और तीसरा जो है WIPO, मतलब कि बीपो। अब हम लोग दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे जो सूचकांक इम्पोर्टेंट है वह है सैन्य खर्च पर सिप्टी की रिपोर्ट 2019। यह बताता है कि यहाँ पे जो बताया गया है यह रिपोर्ट में कि उस देश ने रक्षा के उपकरण और सैन्य में कितने धन को खर्च करता है। तो इसमें पहला स्थान जो है अमेरिका का है, और चीन दूसरे स्थान पे है, और सऊदी अरब जो है वह तीसरे स्थान पे है। मतलब कि पहला स्थान जो है वह अमेरिका का है, दूसरे स्थान पे चीन है, और तीसरे स्थान पे सऊदी अरब है, चौथे स्थान पे जो है भारत है। ठीक, यहाँ पे इम्पोर्टेंट यह था कि पहला स्थान जो है इसमें किसका है, अमेरिका का, दूसरे स्थान पे चीन का, और तीसरे स्थान पे सऊदी अरब का, और चौथे स्थान पे यहाँ पे भारत है। यहाँ पे यह भी महत्वपूर्ण है जो जान लेते हैं कि पिछले वर्ष में एक्सपोर्टर में यूएसए जो है अमेरिका वो पहले स्थान पे रहा है, और इम्पोर्टर में सऊदी अरब जो है पहले स्थान पे रहा, और इंडिया जो है इसमें सेकेंड रैंक में। और यहाँ पे जान लेते हैं कि जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका जो मुख्यालय है वह स्वीडन पे है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है चौथे सूचकांक पे आते हैं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे हम लोग जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019, इसमें भारत का रैंक जान लेते हैं। भारत का रैंक जो है 36वां स्थान है, और इसमें अमेरिका का रैंक जो है वो पहले स्थान पे है। जो संस्था यह जारी करती है उसका नाम है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन पे है। अब हम लोग अपने अगले सूचकांक में आगे बढ़ते हैं। तो अगला सूचकांक जो है वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें हम लोग जान लेते हैं कि पहला स्थान इसमें आइसलैंड है। आइसलैंड जो है वह विश्व का सबसे सर्वाधिक शांति प्रिय देश है। इसमें भारत का स्थान जो है 141वां स्थान है, और अफगानिस्तान का जो स्थान है वह सबसे अंतिम स्थान है, अर्थात कि सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्र अफगानिस्तान का है। इसमें हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी संस्था जो है इस सूचकांक को जारी करती है,
उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका मुख्यालय सिडनी में है। अब हम लोग अपने अगले सूचकांक में आगे बढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वह अगला सूचकांक है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019। इसमें हम लोग जान लेते हैं कि इस सूचकांक में तीन आधार को लिया जाता है, जिसमें पहला है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, लोगों का स्वास्थ्य, और तीसरा उस देश में भ्रष्टाचार, जिसको आधार के रूप में इस सूचकांक को लिया जाता है और तब यह सूचकांक जारी होता है। इसमें पहला स्थान जो है वह फिनलैंड का है और भारत का जो स्थान है वह 140वां स्थान है। इसमें सबसे अंतिम स्थान जो सबसे अप्रसन्न देश है वह साउथ सूडान, जिसका नाम साउथ सूडान है। हम लोग जान लेते हैं कि कौन संस्था इस सूचकांक को जारी करती है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यह संस्था जो है वह इस सूचकांक को जारी करती है। अब हम लोग अपने अगले इंपॉर्टेंट सूचकांक में आगे बढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला स्थान जो है वह है जापान। जापान जो है वह पहले स्थान पे बन गया है और 66वें स्थान पे जो है भारत का स्थान है। तो पहला स्थान किसका है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में? जापान, सिंगापुर। इन जो दो देश हैं जापान और सिंगापुर, यह पूरे 189 देश में इनको बिना वीजा और पासपोर्ट की मदद से किसी भी देश में आ जा सकते हैं। भारत का स्थान जो है 66वां स्थान है। इसमें कौन संस्था इस सूचकांक को जारी करता है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इस संस्था का नाम है जो इस सूचकांक को जारी करता है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक, अब हम लोग अगले सूचकांक में आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी सूचकांक है, तो उसका नाम है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019। इसमें स्वीडन का जो स्थान है वह पहला स्थान है, भारत का स्थान जो है वह 76 रैंक इंडिया का है, और इस संस्था को जो जारी करता है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मुख्यालय जो है वह स्विट्जरलैंड में है। अब हम लोग अपने अगले सूचकांक में आगे बढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है, तो वह सूचकांक का नाम है व्यापार सुगमता सूचकांक 2018। इसमें पहला स्थान जो है वह न्यूजीलैंड का है और भारत का जो स्थान है वह 77 रैंक है। इस सूचकांक को कौन संस्था जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जो है इस सूचकांक को जारी करता है। हम लोग अगले सूचकांक में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है वैश्विक प्रतियोगी सूचकांक 2018। इसमें पहला स्थान अमेरिका का है और भारत का जो रैंक है वह 58 रैंक है। कौन सी संस्था इसको जारी करती है? तो वह संस्था का नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस सूचकांक को जारी करता है। अब हम लोग अगले सूचकांक में आगे बढ़ते हैं, तो अगला सूचकांक का नाम है मानव पूंजी सूचकांक 2018। तो इसमें पहला स्थान जो है सिंगापुर का है और भारत का जो स्थान है वह 115वां स्थान भारत का है। इसमें संस्था का नाम जो जारी करता है वर्ल्ड बैंक, इसे आप याद कर लीजिएगा, यह सूचकांक हो सकता है कि इस एग्जाम में पूछा जाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अगला सूचकांक है वह मानव विकास सूचकांक 2018। यह भी सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें तीन आधार को लिया जाता है, पहला पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, दूसरे स्थान पे शिक्षा और तीसरे स्थान पे जीवन प्रत्याशा। इसमें पहला स्थान नॉर्वे का है और भारत का जो रैंक है वह 130वां स्थान है। इसमें जो संस्था इसे जारी करती है उसका नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम लोग अगले सूचकांक में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है वैश्विक भूख सूचकांक 2018। इसमें पहला स्थान बेलारूस का और भारत का जो रैंक है वह 130वां स्थान है। इसको जो संस्था इसको जारी करती है उसका नाम कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? डबलिन आयरलैंड। और जो दूसरा है उसका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी में।
हम लोग अगले सूचकांक में आगे बढ़ते हैं। तो अगला सूचकांक जो है उसका नाम वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018। बहुत अच्छी बात है, स्विट्जरलैंड जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। वह पर्यावरण के दृश्य पे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें भारत का रैंक जो है वह बहुत सम्मानजनक स्थिति पे नहीं है। वह रैंक है 177, अर्थात कि 177वां स्थान जो है भारत का है। इसको जो संस्था जारी करती है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन। हम लोग अगले सूचकांक में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019। इसमें पहला स्थान स्वीडन ने प्राप्त किया है। भारत का स्थान जो है वह 11वां स्थान है। इसको जो संस्था जारी करता है उसका नाम है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप जर्मन वॉच। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस संस्था का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये भी एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए। तो कौन सी संस्था? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप जर्मन वॉच। अब हम लोग अगले सूचकांक में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2018। इसमें पहला स्थान इराक का है और अफगानिस्तान दूसरे स्थान पे और भारत जो है सातवें स्थान पे। यह रैंक, यह सूचकांक यह दर्शाता है कि भारत आज के परिदृश्य में कितना आतंकवाद की परेशानियों से जूझ रहा है। इसे जो संस्था इस सूचकांक को जारी करता है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब हम लोग आगे सूचकांक जो नाम है विश्व असमानता सूचकांक 2018, इसे हम लोग जान लेते हैं इसमें कौन किसका स्थान है। तो पहला स्थान जो है डेनमार्क का है और भारत का रैंक जो है 147वां स्थान भारत का है। इसको जो संस्था जारी करता है इस सूचकांक को उसका नाम है ऑक्सफैम। हम लोग आगे अपने महत्वपूर्ण सूचकांक में आगे बढ़ते हैं। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2018, हम लोग जान लेते हैं इसमें किसका क्या स्थान है। तो आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पे है, भारत जो है वह 108वां रैंक है और इसको जो संस्था इस सूचकांक को जारी करता है उसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, अब हम लोग अपने अगले सूचकांक में आगे बढ़ते हैं तो जिसका नाम है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SEQI। इसको कौन जारी करता है? संस्था का नाम जान लेते हैं तो नीति आयोग जो है सूचकांक को जारी करता है। यह सूचकांक जो जारी हुआ है यह इसका प्रथम संस्करण है, मतलब यह प्रथम संस्करण है और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्ल्ड बैंक और इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं इनके सहयोग से यह सूचकांक जारी किया जाता है। हम लोग अगले जो सूचकांक है उसे हम लोग जान लेते हैं। यह हमारा आज का अंतिम सूचकांक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो यह जो सूचकांक, यह जो इंडेक्स है, यह 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की और यह जो रिपोर्ट है वह गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल रहा है। मतलब कि इसमें गुरुग्राम में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार के रूप में इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे दिया है। इसमें जो है इसको, ये जो सूचकांक है इसको तीन श्रेणियों में मूल्यांकन किया जाता है जिसमें बड़े राज्य और उत्तरी पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य। ये जो पहला जो है बड़े राज्य ये पहली श्रेणी है, उत्तरी पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य दूसरी श्रेणी है, केंद्र शासित शहरी राज्य और छोटे राज्य जो हैं वह तीसरी श्रेणी है। इसमें बड़े राज्यों में कर्नाटक का जो स्कोर है वह 35.65 प्रथम स्थान पे कायम है और झारखंड जो है इसका स्कोर 6.20 और इसका 17वें स्थान पर अंतिम स्थान है। ठीक, मतलब कि यह 17वें स्थान पे और इसका अंतिम स्थान है। हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इन सब का अगर मूल्यांकन किया जाए, सभी तीनों श्रेणियों के मूल्यांकन किया जाए तो इसमें दिल्ली जो है वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य है। अब हम लोग आते हैं अपने जनवरी माह के कुछ इम्पोर्टेंट
करंट अफेयर पे, हो सकता है कि यह हमारे एग्ज़ाम में जो 15 दिसंबर को पीसीएस में होने वाली है सीधे से प्रश्न मिल जाए। इसको आप सिर्फ सुनिएगा, नोट करने का किसी भी प्रकार का प्रयास न करिएगा, आप सिर्फ इसको सुन के जाइएगा और सीधे एग्ज़ाम आप दे दीजिएगा। तो हम लोग कुछ अवार्ड पे बात करते हैं। जनवरी माह में जो अवार्ड दिए गए थे, तो पहला अवार्ड जो था भारत रत्न अवार्ड 2019, यह तीन लोगों को दिया गया, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक चक्र 2019 इसको दिया गया लांस नायक नाजिर अहमद वानी को। यह जो अशोक चक्र अवार्ड इनको दिया गया, यह पहले कश्मीरी हैं जिन्होंने इस अशोक चक्र को एक्सेप्ट किया। आते हम तीसरे प्राइज पे, तो तीसरा प्राइज है कर्नाट प्राइज, यह जो है पीयूष गोयल को दिया गया, और पीयूष गोयल जो है हमारे रेलवे मंत्री वर्तमान स्थिति में है। गांधी प्रेस प्राइज फॉर 2018, यह जो है अवार्ड योहाई सासाकावा को दिया गया, यह जापान के रहने वाले हैं। यह अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन लेप्रोसी इरेडिकेशन, अर्थात कि इन्होंने कुष्ठ उन्मूलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, इस कारण यह अवार्ड जो है इनको समर्पित हुआ। 76th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, यह जो अवार्ड है यह जाता है बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में ग्लेन क्लोज को और बेस्ट एक्टर के रूप में रामी मलिक को। हम लोग जनवरी माह के कुछ अपॉइंटमेंट्स के विषय में बात कर लेते हैं। तो इसमें चीन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सुधीर भार्गव, और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट, मतलब कि तेलंगाना हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ई राधा कृष्णन। और हम लोग कुछ अपने नेबर पड़ोसी के विषय में जानते हैं, तो बांग्लादेश के जो पीएम हुए शेख हसीना, वह तीसरी बार इलेक्टेड हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो पाकिस्तान चीफ जस्टिस कौन है? तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस आसिफ सईद मूसा, और पाकिस्तान के फर्स्ट हिंदू वुमेन सिविल जज जो हैं उनका नाम है सुमन कुमारी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप सुन के जाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपी नाथ। हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे। तो 15वां जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वह कहाँ पे मनाया गया? वाराणसी पे। UN ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ब्रेली डे, मतलब कि अभी पहला जो ब्रेली दिवस है वह UN ने ऑर्गेनाइज किया 4 जनवरी को। और फर्स्ट ग्लोबल एविएशन समिट वह कहाँ पे हुई? तो यह जो ग्लोबल एविएशन समिट हुआ वह मुंबई में हुआ, जिसकी थीम है फ्लाइंग फॉर ऑल। हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बात करते हैं, तो ड्रग एब्यूज के इशू को एड्रेस करने के लिए एक 5-year नेशनल एक्शन प्लान जारी हुआ, जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR। द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू लीड ऑल मेल कंटिजेंट एट रिपब्लिक डे, मतलब कि इस गणतंत्र दिवस को पहली जो फीमेल ऑफिसर हैं जिन्होंने आल सभी मेल कंटिजेंट को लीड किया, उनका नाम है लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी। वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन 18 है उसका नया नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है, और यह फर्स्ट इंजनलेस मतलब कि ट्रेन है जो भारत में बनी हुई ट्रेन है। तो आज जो हमारा लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको अगले जो है आप महत्वपूर्ण करंट अफेयर के विषय में अवगत कराएंगे। यह जो हमारा करंट अफेयर है यह आपके PCS 2019 को ध्यान में रखते हुए समर्पित है। धन्यवाद।